नमस्कार, आप देख रहे हैं कि क्या न्यूज। मैं अनुज पाल, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राहुल गांधी की यात्रा पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, ऐसे दोहरे चरित्र और ऐसे देश विरोधी चरित्र के लोगों को जनता ने नकार दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी यात्रा लेकर आए थे, 22 विधानसभा में नए थे, 22 विधानसभा में कांग्रेस नेस्ता नाबूद हो गई। मैं राजोगढ़ गया था, वहां की जनता ने बताया कि हमारे साथ दिग्विजय सिंह ने छल कपट किया है। राहुल गांधी जी और आज राजोगढ़ के अंदर हैं। मध्य प्रदेश की जनता, राजोगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस ने क्यों किया। रामलला का जो एक भारतीय के मन और हृदय के अंदर विराजमान है, आपने अपमान किया। आपके पास केवल राम का अपमान करना, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना, यही आपका आधार है। इसलिए देश के अंदर आप अस्तित्व खो रहे हैं। ऐसे दोहरे चरित्र और ऐसे देश विरोधी चरित्र के लोगों को जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी यात्रा लेकर के आए थे, 22 विधानसभा में गए थे, 22 विधानसभा में कांग्रेस निस्तनाबूत हो गई। राधौगढ़ में गया था, राधौगढ़ की जनता ने पूछा कि हमारे साथ दिग्विजय सिंह ने छल कपट किया है। राहुल गांधी जी आज राधौगढ़ के अंदर है। मध्य प्रदेश की जनता, राधौगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस ने क्यों किया। रामलला का जो एक एक भारतीय के मन हृदय के अंदर विराजमान है, आपने क्यों राम का अपमान किया। आपके पास केवल राम का अपमान करना, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना, यही आपका आधार है। इसलिए देश के अंदर आप अस्तित्व खो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज लगातार आगे बढ़ रही है, तो जनता राधौगढ़ की भी आज आपसे पूछ रही है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल से। देखते रहिए क्या न्यूज। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।